दोस्तों नमस्कार, इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते अब शिक्षकों को भी 31 मार्च तक मिली स्कूल जाने से छुट्टी। क्या है पूरी खबर, हम देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा दिनांक 22 मार्च 2020 को एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार अब शिक्षकों को भी 31 मार्च 2020 तक स्कूल जाने से छुट्टी मिल गई है। उप सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु लोकहित एवं लोक स्वास्थ्य के दृष्टिगत तथा सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुक्रम में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 19 मार्च 2020 को निम्नानुसार आंशिक रूप से संशोधित किया जाता है। नंबर एक, मध्य प्रदेश में संचालित समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालयों में अस्थायी रूप से दिनांक 31 मार्च 2020 तक अवकाश रहेगा। नंबर दो, समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय तथा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ को अस्थायी रूप से 31 मार्च 2020 तक अपना कार्यालयीन एवं शैक्षणिक कार्य अपने निवास स्थान से संपादित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। नंबर तीन, 22 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक की उक्त अवधि को समस्त प्रयोजनों के लिए कर्तव्य अवधि माना जाएगा। नंबर चार, यह अवधि उन शिक्षकों गैर शिक्षकीय स्टाफ पर लागू नहीं होगा अथवा उस सीमा तक लागू नहीं होगा जो दिनांक 22 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 की उक्त अवधि में अथवा इसके किसी अंशभाग के लिए पूर्व से अथवा वर्तमान में किसी भी स्वरूप के अवकाश पर हैं। नंबर पाँच, शिक्षक प्रशिक्षक गण उक्त अवधि का उपयोग आगामी शैक्षणिक सत्र की पाठ्यचर्या लेसन प्लान तैयार करने, विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध संसाधनों से शैक्षणिक सामग्री विकसित करने, शैक्षणिक अनुसंधान करने, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए नवाचारी पद्धतियों से अध्यापन के टूल्स विकसित करने तथा अन्य आवश्यक अकादमिक अथवा कार्यालयीन कार्य आदि के लिए किया जाएगा। नंबर छः, यह आदेश विद्यालयों तथा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के ऐसे शिक्षकों गैर शिक्षकीय स्टाफ पर लागू नहीं होगा जिनके विषय में सक्षम अधिकारी को इस बात का समाधान हो गया है कि किसी संवैधानिक विधिक अनिवार्यता कोरोना के संक्रमण से बचाव संबंधी कार्य अथवा अन्य किसी विशिष्ट अपवादिक कार्य के लिए लोकहित एवं लोक स्वास्थ्य की दृष्टि से उनका कर्तव्य स्थल पर उपस्थित रहकर कार्य करना अत्यावश्यक है। ऐसे शिक्षकों गैर शिक्षकीय स्टाफ के लिए कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य समस्त आवश्यक सावधानियां रखी जाना सुनिश्चित की जाएं। नंबर सात, यदि विभाग के अधीन किसी हॉस्टल में अभी भी विद्यार्थी अपरिहार्य कारणों से निवास कर रहे हैं तो वहां का समस्त स्टाफ यथावत हॉस्टल में अपने कर्तव्य पर कार्यरत रहेगा और ऐसे हॉस्टल्स में समस्त विद्यार्थियों और स्टाफ के लिए कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य समस्त आवश्यक सावधानियां रखी जाना सुनिश्चित की जाएं। नंबर आठ, विद्यालयों के शिक्षकों गैर शिक्षकीय स्टाफ के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपना मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर और निवास का पता कार्यालय में तथा कार्यालय संस्था प्रमुख अथवा प्रभारी को तत्काल उपलब्ध कराएंगे ताकि अपरिहार्य परिस्थिति में शासकीय कार्य के लिए उन्हें तत्काल कार्यालय बुलाया जा सके। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी संदर्भित आदेश दिनांक 19/3/2020 में वर्णित शेष प्रावधान यथावत रहेंगे। इस आदेश पर सुधीर कुमार कोचर उप सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के हस्ताक्षर हैं और रविवार यानी कि 22 मार्च को ही यह आदेश जारी किया गया है। दोस्तों, इस आदेश के बाद स्पष्ट हो गया है कि अब शिक्षकों को 31 मार्च 2020 तक स्कूल नहीं जाना है। इसके पहले आपको बता दें कि राजधानी भोपाल के ही कुछ स्कूलों में प्राचार्यों और शिक्षकों के बीच विवाद की स्थिति बन गई थी। कारण यह था कि शिक्षक चाह रहे थे कि उनको भी अवकाश प्रदान किया जाए, लेकिन प्राचार्यों ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि जब तक स्पष्ट आदेश नहीं आ जाता है तब तक हम शिक्षकों को अवकाश नहीं देंगे। आज के समाचार पत्रों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह की विवाद की स्थिति बनी हुई थी। राजधानी के कई स्कूलों में इस तरह के विवाद देखने को मिले। पलासी हायर सेकेंडरी स्कूल की बात करें अथवा कमला नेहरू हायर सेकेंडरी स्कूल, आनंद नगर, बरखेड़ा पठानी, मिश्रोद,
महात्मा गांधी स्कूल, इन सभी स्कूलों में इस तरह के विवाद पहले हो चुके हैं। अब लेकिन इस आदेश के जारी हो जाने के बाद शिक्षकों को स्कूल नहीं जाना पड़ेगा और ना ही किसी प्रकार की विवाद की स्थिति बनेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।